इस वजह से मेरे बेटे को सरकार से अनुरोध है कि जल्द जल्द पहुंचा दे मेरे घर। हमार भैया हमारे लगे आ जा बस, हमको कुछ ना पैसा कौड़ी कुछ ना चाहिए, हमके मांग हमारा लड़का आ जा। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद वहाँ के हालात बदतर हैं। कई भारतीय भी हैं जो अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। काबुल में उत्तर प्रदेश के कई नौजवान हैं जो यहाँ से नौकरी करने के लिए गए थे, हालात बदतर होने के बाद वहाँ फंसे हुए हैं। उन्हीं युवकों में एक चंदौली के युवक हैं सूरज कुमार, जो काबुल में फंसे हुए हैं। कहना यह है कि वहाँ पर जो मालिक था वो काम जहाँ ये कर रहे थे, पासपोर्ट ले लिया है। 18 लोग हैं उनमें शामिल हैं सूरज कुमार। इस वक्त हम सूरज कुमार के घर पर हैं चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के अमोकपुर में। आप देख सकते हैं पूरा परिवार गमगीन है और एक उम्मीद लगी है कि किसी तरह से सूरज जो है वो आ जाए। पिता हैं बुद्धिराम जी, भाई हैं ओमकार, पत्नी रेखा, माता, सारे लोग परेशान हैं और इस बात की गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि जितना जल्दी हो सके उनके सूरज जो हैं वो आ जाएँ। हम बात करने की कोशिश करेंगे इनके पिता से कि क्या बातें हो पाई थी, कब गए थे सूरज। ये बताइए कि सूरज कब गए थे वहाँ पर? सूरज जनवरी में गए थे। तो कब बातें हुई उनसे और क्या बातें हुई उनसे? हमसे कल बात हुआ था, ठीक ठाक है, लेकिन हालात हुआ के बहुत घर खराब है। इस वजह से मेरे बेटे को सरकार से अनुरोध है कि जल्द जल्द पहुँचा दे मेरे घर सूरज कुमार को। तो देखा जा सकता है पिता की आंखें डबडबा जा रही हैं। उनके भाई भी हैं ओमकार, इनसे हम बात करेंगे। ओमकार जी, बातें हो पा रही हैं आपकी सूरज से? हाँ, बातें हो रही हैं। वो क्या करते थे और किस तरह से जो है यहाँ से गए थे? वेल्डिंग लाइन काम करते हैं, वेल्डिंग का बिल्डर हैं। अब वो यहाँ से गए थे काम करने के लिए जनवरी में। आपसे बातें हो रही हैं, वो क्या बता रहे हैं वहाँ पर, क्या हालात है? हालात तो अभी ठीक है वहाँ पे, वैसे ज़्यादा गंभीर हालत नहीं है। खाने पीने का ही सब सुविधा है और रहने का सुविधा है बस। लेकिन वापसी को लेकर के एक चिंता बनी हुई है? वापसी को लेकर चिंता बनी हुई। क्या अपील करना चाहेंगे भारत सरकार से आप? वही कि घर आ जाए सब। उनकी माता जी भी हैं हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, सूरज गए हैं वहाँ पर, फंसे हुए हैं, किस तरह से बातें आप लोगों से हुई हैं? अभी तो हमसे बात नहीं हुई, दुल्हे से बात हुई। क्या बताया उन्होंने? हमसे बात ना कहला कन, हमसे खाली कि माई ठीक है तुम चिंता कर बस, और हमसे बात ना बनो। तो देखा जा सकता है प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है। उनकी पत्नी रेखा जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। रेखा जी, किस तरह से बातें होती थी आपसे सूरज से और क्या कहना है आपका? सुबह बात हुई जो है कि मालिक कहता है कि जो काम करिए, फिर उसके बाद जो आएंगे काम, कोई दिक्कत है नहीं जो है, अब आएंगे तब फिर उसके बाद, नहीं तो नहीं फिर कोई दिक्कत रहता तब पहुंचाएंगे। अब फिर ओकरे पहले भी कहा था कि जब दिक्कत होगा तब मैं खुद पहुंचाऊंगी, अपन ही भाग गया। अच्छा, मालिक वहाँ से भाग गया है? नहीं, मालिक भाग गया पहले ही उनसे सबसे। हमने देखा आप पूजा भी कर रही थी, क्या मांगा भगवान से, किस तरह से दुआ आप लोग कर रहे हैं? वही कि अपना परिवार सब अपने साथ हैं, घबराल हैं, जिसे सब चिंता लगल है। माता जी, क्या मांग करेंगी आप सरकार से, मोदी जी से क्या मांग करेंगी आप? हमार भैया हमारे लगे आ जा बस, हमको कुछ ना पैसा कौड़ी कुछ ना चाहिए, हमके मांग हमारा लड़का आ जा। तो जो हालात हैं उसको देखते हुए देखा जा सकता है कि परिवार गमगीन है और एक उम्मीद लगी है भारत सरकार पर कि भारत सरकार कार्रवाई करे और तत्काल सूरज को और उनके साथ जो फंसे हुए उनके साथी हैं उनको भारत ले आए। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।